यार रुक जाइए थोड़ा सा, आज ये बात कर ले फिर करिएगा। क्या नाम से भी आपका बनता है ब्लॉग? इशाक मंसूरी। इशाक मंसूरी, कितने साल से कर रहे हैं आप लगभग काम? लगभग मुझे हो गई 35 साल है। 35 साल, 7-8 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अच्छा 7-8 साल। अच्छा ये कुछ ऐसी डोरे भी आती हैं क्या जो जिसको रख के आप लड़ाइए तो ज्यादा अच्छी लड़ती हैं? हाँ बेहतर बेहतर लड़ती हैं। बेहतर लड़ेंगी। अच्छा और बाकी एक चीज ये भी है कि क्या मतलब खिस्तान के ही डोर का पता चलता है कि फंस के जब लड़ती है तब डोर का असली पता चलता है? जो डोर अच्छी होगी फंस के पता चलेगा उसका। अच्छा कि ये डोर कितनी कारगर है, मतलब कितनी बढ़िया डोर है, फंस के ज्यादा पता लगता है क्योंकि डोर दमदार जब ही पता लगेगी जब फंस के लड़ेगी। अच्छा अच्छा जी। बाकी जैसे आप अपना सामान मिलाते हो उसमें तो ये कितने साल तक टिक जाएगी अगर आप अपना सामान लगा के भेजते हो? मतलब अगर हम बनवाएं आपसे डोर ऐसी कि हमको रख के लड़ानी है? ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल बस। ठीक है। अगर कोई आपको डॉक्टर की जो हैसियत रखा है या पढ़ाई करा है वो कोई जड़ी बूटी दे तब कितने साल तक टिक जाएगी डोर? और बढ़ जाएगी, 10-15 साल हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी। अच्छा वीरू भाई को जानते हैं क्या कानपुर वाले? जानता हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से। अच्छा उनके पास है क्या आपकी कोई डोर? मेरे कम से कम मेरे ख्याल से 100-200 दर्जन होगी। अच्छा 200 दर्जन के आसपास। 200 दर्जन के आसपास, मतलब ज्यादा तो हो सकती है कम नहीं होगी। अच्छा और कितने साल पुरानी आपने दी होगी कुछ याद है? कितने साल पहले? 15 साल से ज्यादा हुआ है मुझे। 15 साल पहले? मैं अभी तक नहीं दे रहा हूँ, लगभग 5 साल से। नहीं मतलब 15 साल पहले उन्हें डोर देता था, मैंने लगातार कम से कम मेरे ख्याल से तो 8-10 साल लगातार डोर दी है उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। कानपुर में उनके अलावा किसी को डोरी नहीं दी मैंने। कैसा है उनका नेचर वेचर कैसा है? मतलब पैसे से मामले में माशाल्लाह बहुत बढ़िया, ये भेदभाव वाला कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी ये जो इतने लोग मंजा मेकिंग में है, लगभग 1.5-1.5 लाख लोग तो है जो? जी हाँ ज्यादा होंगे। तो ये चाइना की डोर जो हावी हो रही है, मान लीजिए 10% अभी मार्केट झेली इसने, उससे तो हमारे ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है। अगर ये हर मतलब अगर ये हावी हो गई 40%, 30% हो गई तो आप लोग बेकार हो जाएंगे। कोई और तरीका है जीने का? मतलब कुछ और हुनर या कुछ? कोई हुनर नहीं है उसके अलावा हमारे घर जीने का, ये एक जरिया है हमारे घर। अच्छा बाकी अल्लाह पे भरोसा करके हम चल रहे हैं। जी जी जी। कि अल्लाह हमारा है, मतलब वही जरिया बनाएगा, मगर एक सहारा दे दिया है इसको। अच्छा अच्छा। कि इसके जरिए से हमारी रोटी रोजी चलती है। अच्छा अच्छा। बाकी आपके ब्लॉग कितने ब्लॉग आप बनाते हो अपना पर्सनल? जो मैं 2 व्लॉग बनाता हूँ, एक मेरा जो है इशाक मंसूरी के नाम से और एक उड़ता शिकारी के नाम से। उड़ता शिकारी? जी हाँ। क्या क्या रेट के होंगे अनुमान? मेरे 1500 रुपए और दूसरा 16। अच्छा कुछ वो दिखा दिए अपने ब्लॉग?